गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ. वी हैव स्टार्टेड यूनिट सिक्स, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 12, एयर वाटर एंड वेदर. एयर एंड वाटर इफेक्ट वेदर. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी रीड द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर. एयर, विंड एंड ब्रीज, वी नो अबाउट इट. And we learn more about water cycle, impurities in water, and the method to purify it. What is weather? That is clear. Weather is the condition of air at the place at the given time. This you have read. Sun's effect is also has been explained in the previous video. In this video, we are going to start with the air. What is air? Air is all around us. Air जो है वो हम लोग के चारों तरफ है, रहती है. Air is the mixture of gases. Air is mixture of many gases, not only oxygen. We find carbon dioxide and other nitrogen in the air. Air also contain water vapor. Air also contain water vapor and some impurities like this dust. और कई impurities भी इसमें रहती हैं. We also find impurities like dust in the earth. The earth is surrounded by a blanket of air is called atmosphere. Earth जो है, earth के चारों ओर air है. एक ब्लैंकेट की तरह, जैसे आप ब्लैंकेट लेते हो उस तरीके से इसको क्या कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा चलती रहती है उसे हम लोग विंड कहते हैं. जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जो स्लो स्लो स्मूथली चलती है, ठंडी ठंडी लगती है, उसे हम लोग ब्रीज कहते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल. जो खूब स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे हम लोग गेल कहते हैं. अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. स्टॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है और वो अपने साथ वो रेन एंड लाइटनिंग को भी लाती है. बिजली चमकती है और बारिश भी होती है. व्हेन स्टॉर्म accompanied by lightning. देखा, storm के साथ क्या क्या lightning and thunder रहता है. It is called thunderstorm. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, thunderstorm कहते हैं. Now breeze. Sun heats both land and water. Sun जब heat देता है तो सब जगह पे heat रहती है ना. Equally वो कहीं पे वो नहीं करता partially, सबको equally देता है, चाहे वो land हो चाहे वो water हो. Heating up and cooling down of land is faster in water. वो cooling down of land is faster. जो land होता है वो जल्दी गर्म और ठंडा होता है in comparison of water. Water के comparison में the different, देखिए faster लगा है ना, comparison हो गया, comparative degree आ गई. किससे कूलिंग ऑफ लैंड इज फास्टर. लैंड की कूलिंग फास्टर है किससे, वाटर से. द डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग अप और कूलिंग डाउन गिव राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होता है किसमें, कूलिंग में और हीटिंग में, क्या कहाँ पर ज़्यादा फास्ट है, लैंड का वाटर के कंपेरेटिवली. तो इसी को हम लोग जब बढ़ता घटता है, इसी को सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं. दिस अकर स्पेशली इन कोस्टल रीजन. ज़्यादातर कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन यू नो द प्लेस नियर अबाउट नियर द सी, कोस्टल रीजन में ये ज़्यादा होता है. ठीक है, सी ब्रीज. नाउ वी आर गोइंग टू रीड सी ब्रीज. इन द मॉर्निंग द सन हीट्स अप द लैंड फास्टर देन सी. जो क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे जो हीट होती है वो जो लैंड जमीन को ज़्यादा गर्म कर देती है, ना कि सी को, समुद्र को उतना गर्म नहीं करती है जितना कि आपकी इसको हॉट कर देती है. ठीक है, प्लेस को. द एयर अबव द लैंड डज बिकम हॉटर एंड राइसेस. जो यहाँ पे एयर है वो क्या है, वो हॉटर है और
राइस हो रही है। द एयर अबव द सी इज कूलर, और जो यहाँ पे सी की है वो थोड़ी सी कूल है। एंड रशेस इन टू टेक द प्लेस ऑफ द एयर, और जो रशेस हैं वो क्या कर ले रहे हैं, वो उसमें एयर में प्लेस बना रहे हैं। दस कूल एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। तो अब क्या हो रहा है, जब ये एयर कूल है तो कूल एयर जो है वो सी से लैंड की ओर जा रही है। दिस इज नोन एज सी ब्रीज, इसी को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। क्या होता है, जब सूरज सुबह के टाइम पे हीट देता है, किसको, लैंड को और वाटर दोनों को देता है, बट किस में ज्यादा होती है हीट, लैंड में। तो लैंड में तो जो जो हीट होती है तो इसका प्रेशर कम रहता है, लो प्रेशर है, और इसका हाई प्रेशर रहता है क्योंकि ये लाइट है। ठीक है, दिस एयर, हाँ, दिस एयर अबव द लैंड दस बिकम हॉटर एंड राइज। ये हॉट और राइज है। द एयर अबव द सी इज कूलर, अब सी की जो है वो ठंडी, अभी उतनी गर्म नहीं है। टेक प्लेस इन द एयर, वो भी कहते हैं। दस द कूल एयर ब्लो फ्रॉम, ये देखिए जो कूल एयर है वो जो सी से लैंड की ओर आती है, इसी को सी ब्रीज कहते हैं, नोन एज सी ब्रीज, इसी को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। नाउ लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या है, इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, द लैंड कूल्स। अच्छा, अब सूरज गया तो लैंड कूल्स फास्टर, अब फिर वही हुआ, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो गई है, देन द सी, सी अब ये हीट है। द एयर अबव द लैंड ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर, अब एयर जो है वो आपको पता था कि वो फास्टर है उससे लैंड ब्रीज से जारी, अब ये फिर जल्दी ठंडी हो गई। द सी कूल्स डाउन स्लोली, और जो सी था वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। द एयर अबव इट इज ऑल्सो वार्मर, जो एयर निकल रही है वो भी वार्म है। वार्म एयर राइज, वार्म एयर अब आ रही है, क्यों, क्योंकि वार्म एयर यहाँ से क्यों आएगी, क्योंकि अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, अब क्या कर रही है, अब यहाँ लैंड के पास कौन सी एयर है, अब इसके पास कूल एयर है। कूल एयर फ्रॉम, एयर फ्रॉम द लैंड बिलो टूवर्ड्स द सी, अब ये क्या कर रही है, जो कूल एयर है वो सी की तरफ जा रही है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, इसको हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। इट ब्लोज एट नाइट, वो कब चलती है, रात में चलती है। नाउ वाटर, अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझ में आ गया ना, जो सी ब्रीज होती है वो दोपहर के समय चलती है और रात के समय लैंड ब्रीज चलती है, क्योंकि सुबह सी ब्रीज इसलिए चलती है कि सूरज से सन ने हीट कर दिया लैंड को जल्दी, किसके कंपैरेटिवली, सी के कंपैरेटिवली। तो क्या हुआ, ये एयर क्या कहते हैं, जो एयर है वो सी की लाइट है क्योंकि अभी वो ठंडी है, तो वो सी से कहाँ चलती है, लैंड की तरफ, तो इसलिए उसको सी से वो स्टार्ट होती है चलनी, तो इसलिए उसको सी ब्रीज कहते हैं। इजी के अपोजिट इवनिंग टाइम पे क्या होता है, इवनिंग टाइम पे देखिए लैंड जल्दी ठंडी हो गई है और अभी सी ठंडा नहीं हुआ है, तो लैंड की एयर कूल है और ये कूल एयर जो है वो लैंड से सी की तरफ जाती है, तो इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज इज वेरी सिंपल, इसको ध्यान से समझिए तो क्लियर हो जाता है माइंड में। नाउ वाटर, अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, वाटर से कितना अर्थ सरफेस कवर है, 70%। इन नेचर वाटर एक्सिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, नेचर में जो वाटर है वो थ्री स्टेट्स में है। इन द एटमोसफियर इट एग्जिस्ट गैसियस स्टेट एज वाटर वेपर, देखिए वाटर थ्री की थ्री स्टेट्स हैं, यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लासेस। इन सी रिवर्स एंड टैंक्स, सी में क्या होता है, रिवर्स और लेक्स, इट एक्सिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एज वाटर, इसमें क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है। इन द स्नो कैप्ड माउंटेन, स्नो के रूप में कहाँ पे है, माउंटेन्स में। इट इज एक्सिस्ट इन द सॉइल, सॉलिड स्टेट एज आइस, सॉलिड स्टेट आइस के उसमें है, आइस की फॉर्म में है। नाउ इवापोरेशन वी विल रीड नेक्स्ट टाइम, ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर।
देन फिर फिल्ट्रेशन. ओके चिल्ड्रन, गुड डे. रीड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज.